ठेठ हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने जुगाड़ी पत्रकार ऋषिकेश गिल की राम राम। आज जो कि यहाँ पर टिगरी बॉर्डर पर आप देख सको कि एक महिला जो कि ट्रैक्टर लेकर दूर अपने गांव सुरेवाड़ा से और दिल्ली टिगरी बॉर्डर तक ट्रैक्टर लेके आई है। आप चलो आइए, आप इनसे मिलकर इनकी बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, एक बार अपना पूरा परिचय दे दो जी, आप कहाँ से और क्या नाम है जी आपका? मैं सत्यवान वाइफ, मैं पूनम वाइफ ऑफ सत्यवान, सुरेवाड़ा हिसार हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ सुरेवाड़ा से दिल्ली आई हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ पर दिल्ली जो कि आज ट्रैक्टर लेकर दूर, आप खुद ट्रैक्टर ले चला के आए हो? हाँ जी, मैं खुद चला के आई हूँ। ठीक है जी, यो जो आज आपने किसान आंदोलन के अंदर अपना सहयोग देने के लिए खुद ट्रैक्टर पर देख सको कि महिलाओं को आना पड़ गया, ऐसी क्या मजबूर आपत्ति पड़ गई जी जिसके कारण आपने यहाँ टिगरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर ले गए, इतनी कड़ाकेदार ठंड माना पड़ा जी? ये हमारा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव और मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तो मैं वहाँ घर पर रहकर क्या करूँगा। मैं तो इसलिए यहाँ आई हूँ कि मेरे किसान और मेरे घर वाले मेरे गाँव के यहाँ बैठे हैं, तो उन्हीं के साथ मैं जाऊँगी। अगर मोदी मानता है कि 26 जनवरी तक हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम शांतिपूर्वक घर चले जाएंगे। अगर 26 जनवरी को हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो हम दिल्ली को में अंदर घुस जाएंगे। ठीक है जी, जो कि 26 जनवरी ने बोल रहे हैं कि किसान परेड में शामिल होगा, तो उसकी क्या कुछ तैयारी है जी आपकी? हमारी तैयारी पूरी हिम्मत से है जी, हम 26 जनवरी को खुद परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे और पूरे हौसले से करेंगे। और सभी से मेरी अपील है कि पूरे किसान हम मिलकर हम इस परेड में शामिल हों और सबका हौसला और हिम्मत से इसमें भाग लें। ठीक है जी, आप देख सको कि आज जो कि किसान आंदोलन के अंदर दिल्ली टिगरी बॉर्डर पर एक महिला ट्रैक्टर लेके आई है, अगर आप देखा तो नहीं काफ़ी सारी महिलाएं जो कि घर पर भी बैठी है जी, उनको आप इसके किसान आंदोलन के बारे में क्या मैसेज देना चाहो? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर औरतें क्या नहीं कर सकती, हम ये सोच कर घर पर ना बैठे कि पुरुष ही सब कुछ कर सकता है। अगर हम में कुछ करने की इच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पुरुष बाहर बैठे हैं आंदोलन के लिए तो हमें उनके साथ रहना चाहिए, चाहे मैं ट्रैक्टर जानती हो या नहीं जानती हो, तब भी हमें उनके साथ रहना है कि हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे ये तीन मांगे नहीं पूरे करे जाएंगी तो हम खुद उनके साथ अपनी जान देने को भी तैयार है। हमारे बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं, तो मैं सभी से एक माता बहनों से कहती हूँ कि आप भी घर से निकलें और हमारा पूरा सहयोग दें। ठीक है जी, अगर आप देखा तो 26 जो कि जिस दिन ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो पंजाब की जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं और छोटी छोटी बेटियां यहां पर आई हुई थी, लेकिन वैसे मोदी जी ने एक अभियान स्टार्ट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन छोटी छोटी लड़की यहां पर बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं पर भी पानी की बौछार करी थी, क्या ये बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत था जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो इसके विपरीत कार्य था, ये बिल्कुल ही गलत कार्य किया था मोदी जी ने। मैं बेटी बचाओ बेटी अभियान तो मतलब अब पता चलेगा कि ये अभियान कहाँ तक मोदी जी का सफल हुआ है कि यहाँ माताएं भी बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो भी इनके मतलब यहाँ इतनी, अगर ये हमारी मांगे मान लेते तो यहाँ तक ये नौबत नहीं आती कि बेटी बच्चे और माँ सारे यहाँ आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठती। ठीक है जी, एक और देखा तो आप यहाँ पर लगभग 70 से अधिक किसान जो कि शहीद हो चुके हैं और अभी तक किसी भी प्रशासन के या फिर किसी नेता की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया जी। बयान तो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे तो देखो जी कितने घर से बुजुर्ग भी गए हैं, मर चुके हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे चाहे हमारी भी जान चली जाए। लेकिन जो ये विधायक बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, इन ये सिर्फ अपने अपने के लिए बने हुए हैं, इन्हें ये चाहिए कि जनता परेशान किस लिए हो रही है, किस लिए यहाँ आंदोलन के लिए बैठी है, एक भी नेता यहाँ हमारे हक के लिए नहीं आया था, तो हम ऐसे नेताओं का क्या करेंगे? ठीक है जी, आप भी कुछ मैसेज देना चाहो सरकार ने? मैं तो सरकार ने भाई यही मैसेज देना चाहूँ कि भाई मांग मैंने मारी, तीनों कानून काले वापस ले ले और हम शांतिपूर्वक घर चले जाए, नहीं तो भाई 26 तारीख ने हम परेड भी करांगे और जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, तो आगे परमात्मा ने पता है। ठीक है, राम राम ताई। राम राम भाई। ताई के लागे मोदी मान जाएगा? मोदी मानने सरगा नहीं मानेगा जी, अपने मर जाएंगे, अरे उल्टे नहीं जाएंगे, बच्चे अडारे हैं, बच्चों के पापे अडारे, भाई अरे ताऊ अरे देवर जेठ अरे जो इतनी में लाँ जितनी हैरिश है, जो अगर पहमाम नवानू कह रही है भाई तामे जाओ माम पीछे पीछे आते हैं, हम ये क्या करांगे, सब सब दो भी नए गए हमारे आदमियों ने बैठे ने, तो हमें कल आई हैं, तो अपने चाबी साथ में लिया है, हमने घर हमारा क्या पड़ा, कुछ नहीं पड़ा हमारा,
तो आपने ठीक से तीन कानून दिए थे वो मान जाएगा तो टापर ने लेकर वापिस बिक जाएंगे और नहीं अपना हमें तो दिल्ली में मारांगे फिर मैं चाबी ताला लाए मारा क्या पड़े अगर असा तो को निकी में। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर देख सको इनकी कितनी लंबी सोच लेकर यहाँ पर अपने परिवार को ताला लगाकर और ये भी किसानों के साथ में, यानी कि अब महिलाएं भी साथ में जो कि इनको किसान आंदोलन के समर्थन में उतर चुकी है। आप देख सकते हो कि अपने गांव से ट्रैक्टर लेकर जो कि यहाँ तक पहुँच चुकी है और 26 तारीख की जो परेड होने वाली है उसमें साथ में शामिल होने की ये बोल रहे हैं। धन्यवाद जी।